नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशीष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट टू रोल आउट बिग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आर्टिकल द हिंदू का। द हिंदू हो या कोई भी अन्य न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर से जब भी हम कोई भी आर्टिकल डिस्कस हमने किया है इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, तो बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली आपने सीखी हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स, ट्रांसलेशन कैसे करना है, पैराग्राफ को कैसे एग्जामिनेशन में टैकल करना है, कैसे आपको न्यूज़पेपर से ग्रामर सीखनी है, तमाम प्रकार की चीज़ें हम सीखते आए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मंडे टू सैटरडे आपको एडिटोरियल्स सेशन मिले, तो आप प्राप्त कर सकते हैं उसे केवल 199 में। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आशीष क्लासेस ऐप से इसको एक्सेस किया जा सकता है। 24th of July से नया बैच स्टार्ट है। उसके लिए अंतिम जो डेट रहेगी वो 23rd of July, मीन्स कल आपको निश्चित रूप से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। आज हम बात करेंगे इस आर्टिकल की, और इस आर्टिकल में भी आप सुनिश्चित करें कि 1100 लाइक का टारगेट हम डिसाइड करते हैं। 1100 स्टूडेंट्स, 1100 लाइक आप करें तो निश्चित रूप से आगे भी बहुत सारे आर्टिकल्स आप तक मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करें, गवर्नमेंट टू रोल आउट बिग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। रोल आउट का मतलब क्या है? रोल आउट का मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करना है, कोई भी सर्विस है उसको मार्केट में लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है, पहली बार सामने रखना, उसको रोल आउट बोलते हैं। और मैंने बताया था काफ़ी बार आपको कि 2+V0 अगर दे रखा है हेडलाइन में, इसका मतलब ये काम करना शेष है, ये पेंडिंग है, ये करना है। तो गवर्नमेंट टू रोल आउट बिग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और पुश यहाँ पर एक कह सकते हो, एनकरेजमेंट कह सकते हो, है ना, प्रोपेल करना कह सकते हो, इंस्पिरेशन कह सकते हो, मैं थोड़ा सा धक्का देना, थोड़ा आगे बढ़ाना। तो गवर्नमेंट टू रोल आउट बिग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट जो है वो नई योजनाएं लेकर आएगा, गवर्नमेंट जो है रोल आउट करेगा या इंट्रोड्यूस करेगी सरकार क्या चीज़, बिग पुश, बड़े बड़े यहाँ पे एनकरेजमेंट हैं, पुश हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। ये तो है इसके हेडलाइन का मीनिंग। इससे नीचे एक लाइन दे रखी, मेजर डिसीजंस आउटलाइंड एज एनडीए कंप्लीट्स 50 डेज इन ऑफिस इन सेकंड टर्म। मेजर डिसीजंस आउटलाइंड, आउटलाइन का मतलब होता है एक प्रारूप या एक खाका तैयार करना, एक बाहरी रूपरेखा तैयार करना। तो मेजर डिसीजंस आउटलाइंड, जो मुख्य डिसीजंस हैं आउटलाइन कर दिया गया उनको, जैसे ही एनडीए ने कंप्लीट कर लिए हैं 50 दिन दूसरे टर्म में, ये इनका दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म में जो इन्होंने 50 दिन पूरे किए हैं उस पर इन्होंने डिसीजंस, मेजर डिसीजंस हैं उनको आउटलाइन कर दिया है, उसका एक खाका तैयार कर दिया है, इसका रफ प्रारूप तैयार कर दिया है। फिर देखिए हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, तो जिसमें लिखा हुआ है एन एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इज टू बी ऑर्गेनाइज। ये एन जो है दोस्तों, ये समिट के लिए आया है। समिट यहाँ पे नाउन है, और नाउन अगर होती है किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना होता है। तो एन एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, एक वार्षिक जो वैश्विक निवेशकों की एक वार्ता होती है, शिखर वार्ता कह सकते हो समिट को, इज टू बी ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज किया जाना है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ऐसा किया जाना है, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। लेटर दिस ईयर, इस साल में, आगे के दिनों में, मतलब इस साल में, बाद में। लेटर जो शब्द है ये टाइम बताता है। इसका एंटोनिम अर्लियर होता है, earlier, अर्लियर का मतलब पहले, लेटर का मतलब बाद में, समय के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक वार्षिक वैश्विक निवेशकों की शिखर वार्ता आयोजित की जानी है इस साल आगे, विद द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंकरिंग दिस इवेंट। एंकर का मतलब होता है फास्टेन करने को बोलते हैं, बांधने को बोल सकते हैं, या फर्मली स्टिक करने को बोलते हैं, चिपके हुए होने को बोलते हैं, है ना, इनग्रेंड को बोल सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, और इस शिखर वार्ता में क्या चीज़ मुख्य बात होगी, इस शिखर वार्ता में विद द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ये इसमें छाया रहेगा मुद्दा, है ना, ये इसको बांधे हुए रहेगा कह सकते हो, ये इसको इस पर घूमेगा, मतलब ये शिखर वार्ता जो है इसी के इर्द गिर्द होगी। तो एंकर यहाँ पे फास्टेन के अर्थ में या स्टिक के अर्थ में यूज़ किया गया है। टू इन्वाइट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है भाग या हिस्से को बोल सकते हैं, या क्षेत्र को बोल सकते हैं। तो कहा गया है टू इन्वाइट इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, निवेश लेकर आना। वेयर स्पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years इज प्रोजेक्टेड एट 100 करोड़, जहाँ पर स्पेंडिंग का मतलब कितना पैसा खर्च होगा, फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में, इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब होता है अनुमान लगाया गया उसका, उसको गैस किया गया है कि अगले 5 सालों में लगभग 100 करोड़ होने का अनुमान है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज होपिंग दैट, गवर्नमेंट जो है वो आशा कर रही है कि
दिस मैसिव पुश, मैसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैसिव पुश का मतलब इतना बड़ा जो ये एक धक्का है, एक पुश है, एक थोड़ा सा आगे की ओर मतलब इसको ग्रोथ करवाने की जब बात करवाई गई है, तो दिस मैसिव पुश जो भारी भरकम ये एक पुश है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विद इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड एब्रोड पार्टिसिपेटिंग, जिसमें निवेशक जो हैं भारत से हो या फिर विदेश से हो, एब्रोड का मतलब बाहर के, पार्टिसिपेटिंग जिसमें हिस्सा लेने वाले हैं, विल हैव ए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ पुशिंग ग्रोथ। तो ये एक पुशिंग ग्रोथ का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा इस पर। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? वैसे देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट और कैस्केडिंग टैक्स ये देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स लग गया फिर दूसरा टैक्स उस पर लग जाए। ये थोड़ा यूँ समझ सकते हो आप इसको कि तीन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इस इंडस्ट्री पे ये दूसरे वाले डिपेंड है और दूसरे पे तीसरे वाले डिपेंड है। अगर इस इंडस्ट्री ने इससे कुछ सामान खरीदा तो इसने टैक्स लिया, फिर ये इसको बेचेगा, है ना, तो ये फिर इस पर टैक्स लेगा, तो ये टैक्स तो पहले ही दे रखा था इसने और उस पे फिर ये एक और टैक्स ले रहा है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब यूँ कह सकते हो आप, जो मतलब प्रभावित करेगा एक से दूसरे सेक्टर को, ठीक है। तो विल हैव ए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ पुशिंग ग्रोथ, तो पुशिंग ग्रोथ का मतलब ये जो एक पुशिंग ग्रोथ है मतलब ग्रोथ को थोड़ा सा आगे की ओर धकेला गया है, पुश किया गया है, इसका प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा प्रभाव जिस पर एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। फिर कह रहा है दिस वॉज रिवील्ड बाई गारमेंट सोर्सेज, ये चीज़ उजागर की गई, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, रहस्य उजागर करना, और वॉज रिवील्ड है मतलब पैसिव वॉइस है, तो ये उजागर किया गया किसके द्वारा, बाई गवर्नमेंट सोर्सेज, सरकारी जो स्रोत हैं उनके द्वारा। एज द मोदी गवर्नमेंट कम्प्लीटेड द फर्स्ट 50 days ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मोदी गवर्नमेंट ने अपने 50 दिन दूसरी बार सरकार दूसरे कार्यकाल में 50 दिन पूरे कर लिए हैं। एंड शेयर डेटा ऑन डिसीजन टेकन बाई इट, और जो डिसीजन इसके द्वारा लिए गए हैं उसके लिए इन्होंने डाटा शेयर किए हैं कि कौन कौन से आंकड़े हैं वो इन्होंने शेयर किए हैं। सिग्निफिकेंटली ये एडवर्ब है, ly एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में ly एंडिंग है तो उसको आप निश्चित रूप से एडवर्ब मान सकते हैं। तो सिग्निफिकेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड क्लोज एड, एड का मतलब यहाँ पे है सहयोगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी जो सहयोगी हैं अपने ऑफिस में उनको बताया कि दैट देयर विल बी नो सेटिंग इन पीरियड दिस टाइम, कि इस बार कोई सेटलिंग इन पीरियड नहीं होगा। सेटलिंग इन का मतलब हमें थोड़ा वक्त चाहिए है, पहले सरकार चली गई है, उसकी खामियां हैं, उसको पूरा करना है, भरपाई करना है, ऐसा समय नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी आप ही थे, दूसरी बार भी आप ही आए हैं, तो सेटलिंग इन पीरियड नहीं है दिस टाइम अराउंड एज इट वॉज ए कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट है, लगातार दूसरी सरकार आई है, इनको वही कामकाज आगे कंटिन्यू करना है। गिविंग फर्दर डिटेल्स, आगे डिटेल्स देते हुए गवर्नमेंट सोर्सेज सेड, अब ये गिविंग जो है करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, फर्दर का मतलब आगे होता है, एक वर्ड फर्दर होता है, फर्दर का मतलब दूर होता है, ये फर्दर है वो नेक्स्ट है आगे है, तो आगे डिटेल्स देते हुए गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा कि भी 50 डे पुश, अब देखिए हाइफनेटेड नाउन लग गई है, वैसे 50 डेज होना चाहिए था लेकिन ये हाइफन लग गया है, इसका कमाल है कि ये केवल एस हटा दिया है, 50 डे ही रखा है। तो जितनी भी नाउन हाइफनेटेड होती हैं, जहाँ जहाँ पर हाइफन आता है वहाँ वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ वहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन लगानी है। तो आगे डिटेल देते हुए गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा कि भाई 50 दिन का जो ये पुश है वॉज इम्पोर्टेंट एज इट क्लियरली डेलिनेटेड द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज़, ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे क्या है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं ये सामने आ जाए, डेलिनेट का मतलब होता है चित्रित करना, पोर्ट्रे करना, दर्शाना, एंड वेयर इट वांटेड टू फोकस रिसोर्सेज एंड पॉलिसी थॉट, और कहाँ ये फोकस करना चाहता है, कहाँ सरकार का फोकस होना चाहिए, रिसोर्सेज एंड पॉलिसी थॉट मतलब टू फोकस रिसोर्सेज, वेयर इट वांटेड टू फोकस रिसोर्सेज एंड पॉलिसी थॉट मतलब कहाँ इसकी पॉलिसी थॉट है, कहाँ रिसोर्स को फोकस करना चाहती है सरकार, इन सब की चीज़ों के सामने आ जाएगा इस चीज़ से। मैनी ऑफ द बिग टिकट प्रोमिसज मेड इन द बीजेपीज मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, बड़े बड़े दावे किए गए थे चुनाव के समय बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र में, लाइक द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किसान समृद्धि सम्मान निधि, एक तो ये वादा किया गया था, जैसे कि अब ये लाइक है, ये एडजेक्टिव है, अगर एडवर्ब चाहिए होता तो लाइक के स्थान पर एज लगाते, याद रखिएगा एज एडवर्ब होता है, लाइक एडजेक्टिव होता है। तो इन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर सम्मान निधि जो है, फार्मर्स इनकम सपोर्ट स्कीम इसको बोलते हैं वैसे, इसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है कि सभी के लिए ये उपलब्ध होगी, है ना, इट विल बी अवेलेबल टू ऑल। फिर एंड पेंशंस फॉर स्मॉल रिटेलर्स, और छोटे जो दुकानदार हैं, खुदरा जो व्यापारी हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम की बात की गई थी। एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, वर टेकन अप एट द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले कैबिनेट मीटिंग में ये सब लिया गया। तो मैनी बिग टिकट प्रोमिसज जो हैं
ये प्रोमिसेज के लिए दे रखा है वर टेकन अप। टेकन अप का मतलब अपनाए गए, लिए गए। ये फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इन मुद्दों को लिया गया जो बिग टिकट प्रोमिसेज थे, बड़े बड़े वादे किए थे। बिग टिकट का मतलब वैसे तो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हो, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, लेकिन यहाँ बिग टिकट प्रोमिसेज का मतलब यूँ है कि बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, तो बड़े वादे जो किए गए थे उनमें ये वादे थे, तो इनमें ये पहले मीटिंग में उठाए गए मुद्दे। तो ये था 22 जुलाई का एक आर्टिकल। बात करेंगे कल एक नया आर्टिकल की, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।